सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को भी लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के दो ऐसे टिप्स के बारे में जिससे कि आप अपने कंप्यूटर के यूज करने के तरीकों को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं इन दोनों टिप्स के बारे में। वैसे अगर आप अपने कंप्यूटर पर किसी भी फाइल या फोल्डर के बारे में तभी जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या है जब आप उस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ही जान पाते हैं आप कि उस फाइल के अंदर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। तो लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसमें जो है आपको किसी भी फाइल के बारे में जानने के लिए उसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है बिना उसे ओपन किए हुए उसके बारे में, उस फाइल या फोल्डर के बारे में जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस पी की को एक साथ प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और प्लस पी की को एक साथ प्रेस करते हैं आपके सामने एक यहाँ पे स्प्लिट में जो है एक सिलेक्ट ए फाइल टू प्रीव्यू का ऑप्शन पेज खुल जाता है। इसके बाद आप जो है अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे साइड में दिखता है। तो इस तरह से जो है आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना ओपन किए हुए वो जान सकते हैं कि उसके अंदर किस टाइप का फाइल है। तो अगर आप इस प्रीव्यू के ऑप्शन को बंद करना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पे सिंपली फिर से ऑल्ट प्लस पी की को प्रेस करके इसे बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा टिक आता है कि वैसे जो आप अपने कंप्यूटर पर अगर किसी भी फाइल को, जैसे कि मेरे यहाँ पे कंप्यूटर पर अमित नाम का एक फाइल है और यही फाइल यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में भी अमित नाम का फाइल है, तो अगर आप नॉर्मल में सर्च करते हैं अमित नाम का फाइल, अगर आप कोई भी अपना जो है ऐसा फाइल खोजते हैं जो कि बहुत जगह मल्टीपल जगह वो फाइल हो, तो आपको सर्च में वो सभी फाइलें आ जाती है जो कि आप उस नाम से है। तो आप जो है अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को खोजना चाहते हैं जो कि आपने किसी खास समय में, आप अगर आपको पता हो कि वो आपने किस दिन के बीच बना है, तो यहाँ पे आप जो है डेट मोडिफिकेशंस के ऑप्शन पर जाकर जो है यहाँ पे चुन सकते हैं कि आपको जो है सर्च में कौन सा फाइल आए, कितने दिनों के अंदर तक का फाइल आए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें कि आप खोज सकते हैं कि आप जो है कितने दिनों तक के फाइल को यहाँ पे देखना चाहते हैं, को सर्च में आप जो है कितने दिनों तक के फाइल को यहाँ पे खोजना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वीक, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप कोई फाइल को खोजते हैं तो यहाँ पे जो है उसी के बीच का जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी के बीच का यहाँ पे आपको फाइल सर्च में आएगा। तो इस तरह से जो है आप कोई भी पर्टिकुलर फाइल खोज सकते हैं इसका यूज करके। सर्च में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है साइज का, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी साइज सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है सर्च में वही फाइल नज़र आएंगे जो कि उस साइज के अंदर का, जिसका साइज उस साइज के अंदर हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है 100 से 1 MB, 1 MB से 16 MB, 16 MB से 128 MB या 128 MB से बड़ा। तो यहाँ पे अगर कोई सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है उसी साइज का सर्च में आपको उसी साइज का फाइल आएगा जो कि उसके साइज के अंदर का हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।